रॉयल रंबल 2023 में ब्लड लाइन को छोड़ने के बाद जय उसो ने दिया रोमन रेंस को चैलेंज। क्या सच में जय ने सैमी जैन के लिए ब्लड लाइन को धोखा दे दिया, जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, रॉयल रंबल 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट का अंत सैमी जैन और केविन ओवेंस दोनों के लिए बड़ा ही भयानक रहा, क्योंकि ब्लड लाइन ने इन दोनों पुराने दोस्तों को मार मार कर अधमरा कर दिया। मैच जीतकर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद रोमन रेंस ने उसोस और सोलो सिकोवा के साथ मिलकर केविन ओवेंस की धुलाई की। फिर जब सैमी जैन ने केविन ओवेंस को बचाने के लिए रोमन रेंस पे स्टील चेयर से वार करके ट्राइबल चीफ को धोखा दिया, तो ब्लड लाइन ने उनकी भी जम के कुटाई कर डाली। लेकिन इस इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग सेगमेंट के दौरान जय उसो ने सैमी जैन के लिए ब्लड लाइन का साथ छोड़ दिया और वो गुस्से में रोमन रेंस को आंखें दिखाते हुए रिंग छोड़कर चले गए, जिसके बाद हम सभी फैंस के मन में यही सवाल था कि क्या सच में अब जय ब्लड लाइन से अलग हो चुके हैं। तो इसका जवाब है हाँ, सच में जय ने सैमी जैन के लिए ब्लड लाइन को छोड़ दिया। दरअसल कुछ ही घंटों पहले जय उसो ने इंस्टाग्राम पे ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा आई एम आउट और साथ में ब्लड वाला इमोजी भी था। मतलब जिमी ने ये बात कही कि वो अब ब्लड लाइन को छोड़कर रोमन रेंस के परिवार से अलग हो गए हैं। लेकिन जय यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये फोटोज पोस्ट की जिसमें ऊपर की तरफ खुद जय है और नीचे की तरफ रोमन, बीच में लिखा है रन इट बैक, यानी कि जय उसो एक बार फिर रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जय ने ट्राइबल चीफ को चुनौती दे डाली है, जिससे ये साफ हो गया कि अब जय उसो रोमन रेंस और अपने भाइयों को छोड़कर सैमी जैन का साथ देंगे। साल 2020 में रोमन और जय के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए दो मैच हुए थे, पहला क्लैश ऑफ चैंपियंस में तो वही दूसरा हेल इन अ सेल में हुआ था, और अब तीसरी बार जय रोमन के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं। तो क्या आप एक बार फिर ट्राइबल चीफ का मैच उन्हीं के भाई जय उसो के खिलाफ देखना चाहेंगे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।